देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत करने के बाद करीब 1,00,000 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्ड मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किए जा सकेंगे। और आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1,00,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 पंचायत जो है वो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत के बाद वैसे लोगों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया करवाया है और इस दौरान PM ने यह कहा है कि अब आपकी संपत्ति कोई गलत नजर आपकी संपत्ति पर आप नहीं डाल सकेगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, उन्होंने उन लोगों से भी बात की है जिनको इस योजना का सबसे पहले लाभ मिला है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बार ये योजना जो है वो शुरू की गई है। अलग अलग राज्यों में 6 राज्यों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CM रावत ने बातचीत की है और इस दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी सहित तमाम विभागीय अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मीडिया को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।